तेजस्वी और आज हम आज के ब्रांड न्यू तड़कते भड़कते वीडियो के साथ और यहाँ पे मेरे साथ है मेरी बड़ी बहन। हाय, मैं हूँ अनुष्का जैना और आज मैं अपनी बड़ी बहन के साथ करने वाली हूँ ओरियो आइसक्रीम। सो अब हम आपको पहले शुरू करते हैं तो हमारे इंग्रेडिएंट्स है ओरियो ऑफ कोर्स, बेलन और दूध, मिल्क और एक बाउल ले लिए हैं अगर काम में आएगा और आइसक्रीम स्टिक्स जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है कलरफुल आइसक्रीम स्टिक्स। तो शुरू करते हैं। यस ओके, तो अभी हमें पहले क्या करना है ना, ये जो ओरियो है उसको पहले हमें बिना खोले पैकेट को बिना खोले हमें ओरियो को हल्के से उसे प्रेस करना है, बेल देना है हल्के से, पूरा जैसे पैकेट ना फटे, बहुत हल्के से उसे क्रश करना है अंदर जैसे कि वो क्रश हो जाए। ऐसे आप किसकी हेल्प ले सकते हैं, बड़ों की हेल्प ले सकते हैं क्योंकि पैकेट फट सकता है, बड़ों की हेल्प लेना इज वेरी वेरी जरूरी। तो ऐसे हम पहले सारे ओरियोस को क्रश करते हैं फिर मिलते हैं। ओके सो अब हमारे ओरियोस पूरी तरह से क्रश हो चुके हैं विद पैकेट, मतलब अंदर से। अब हमें उसे थोड़ा सा खोलना है, ज्यादा आप क्रश मत करिएगा, थोड़ा सा बस इतना ही खोलना है आपको, पूरा मत खोलिएगा। उसके बाद हमें लेना है मिल्क, उसके बाद आप देखिए क्या दीदी कर रही है मिल्क। और ये चीज बड़ा इंटरेस्टिंग है, बहुत मजा आ रहा है। हमें उसके अंदर डालना है मिल्क, बाउल ले लीजिएगा क्योंकि वो नीचे गिर सकता है। ये लॉकडाउन में ऐसे करते रहिए ना, तो लॉकडाउन पता ही नहीं चला कब खत्म हुआ, कब शुरू हुआ, कब खत्म। तो ऐसे बस थोड़ा सा ही, आपने देखा मैं कितना ही हूँ थोड़ा। फिर आपको लेना है आइसक्रीम स्टिक और उसे डाल देना है इसके अंदर और इसके बाद उसे ऐसे करके रेफ्रिजरेट करना है 2-3 घंटे के लिए, फिर आपका ओरियो आइसक्रीम हो जाएगा रेडी। तो हम अभी रेफ्रिजरेट करते हैं और मिलते हैं आपको 3-4 घंटे बाद। सो लेट्स गो। फाइनली 3 घंटे 2 घंटे हो चुके हैं, लेकिन मैं भी चेक कर रही थी 3 घंटे 2 घंटे बाद तो नहीं हुआ था, तो इसे हमने ओवरनाइट कर दिया और ये अलग डे है टुमारो। एंड अभी आप सुन रहे दीदी कहीं है, दीदी नहीं है, दीदी कहीं गई है, तो आज मैं ही दिखा देती हूँ आपको और मैं निकाल के लाई हूँ, तो चलो आपको दिखाते हैं। तो ये देखिएगा इस फुल, ये हमारी आइसक्रीम जैसी दिख रही है, आप देख सकते हैं गाइस, ये देखिए। सो गाइस अब सुनिए शुरू बताते हैं कि कैसा है, स्टिल में बहुत बड़ी अच्छी लग रही है, मुझे पानी आ गया। मतलब इतनी टेस्टी है ये, मतलब एकदम बर्फ चारों हो रही है, मतलब मुंह में एकदम बर्फ आ जा रही है, मतलब इतनी टेस्टी हो रही है, बहुत टेस्टी है, एकदम ये आइसक्रीम चॉकलेट चॉकोबार जैसी टेस्ट आ रही है। ऊपर ये आप देख सकते हैं ये पूरी क्रीम है और ये जो इतनी टेस्टी लग रही है गाइस, यू मस्ट ट्राई दिस मस्ट। एंड गाइस कॉमेंट सेक्शन में बताना करके कि मतलब आपका टेस्ट कैसा आया, आपको अच्छा लगा कि नहीं। एंड इस वीडियो में एंड करते हैं, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, कमेंट कर देना, शेयर कर देना। हम मिलेंगे आपको इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।